टीवी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दरवाजा खोल चुड़ैल। भीलवाड़ा बड़ा ही सुंदर और सीधे साधे लोगों का छोटा सा गांव था, पर कुछ दिनों से भीलवाड़ा में एक अजीब सी खबर फैल रही थी। लोग कहते थे रात में कोई दरवाजा खोलो की आवाज लगाता रहता है, और जो दरवाजा खोल देता है उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वह कहीं गायब हो जाता है और वह दोबारा लौटकर नहीं आता। वहीं एक रात हवाएं बहुत ही तेज चल रही थी, आसमान में चमकते हुए चांद पर अचानक ही काले बादल आने लगे थे और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा गहरा होता दिखाई दे रहा था। वहीं नीलू के घर के अंदर नीलू और उसके घर के लोग आराम से सो रहे थे। रात के लगभग 12 बजे हुए थे, तभी अचानक गेट के खटखटाने की आवाज आती है। आवाज सुन नीलू की नींद खुलती है और वह गेट के पास जाती है, लेकिन गेट खोलने से पहले वह रुककर सोचती है। उसे लगता है कि क्या पता कोई भूत प्रेत तो नहीं। थोड़ी डर जाती है और अंदर से ही आवाज लगाती है, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से किसी की आवाज नहीं आती। यह देख नीलू वापस अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी बाहर से फिर से आवाज आने लगती है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो की आवाज सुनते ही नीलू घबरा जाती है। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है और वह दरवाजा खोल देती है, और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है दरवाजे के बाहर जो उसे दिखाई देता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक भयानक प्रेत आत्मा चुड़ैल के रूप में हवा में उड़ रही थी, जिसके उड़ते हुए बड़े बड़े बाल और हाथों में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी, जिस पर से खून टपक रहा होता है, और वह हंसते हुए नीलू को अपनी ओर बुलाती है। नीलू इधर आओ नीलू। नीलू यह देख घबराकर अचानक से गेट को बंद करने लगती है, लेकिन वह खून से सनी हुई कुल्हाड़ी दोनों गेटों के बीच में आ जाती है और दरवाजा बंद नहीं हो पाता। डरी सहमी नीलू कांपने लगती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है, कि तभी उसे अपने बच्चों के खेलने का बेड दिखाई देता है। वह उस बेड को उठाती है और चुड़ैल को मार देती है। चुड़ैल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। कुल्हाड़ी गिरते ही चुड़ैल और खूंखार हो जाती है। वह एक हाथ को लंबा करके कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उड़ती हुई चुड़ैल का यह रूप देखकर नीलू की रूह कांप जाती है। अचानक नीलू जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, यह भयानक चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई बचाओ। नीलू की आवाज सुन चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। चुड़ैल के गायब होते ही नीलू थोड़ी शांत होती है और अपने घर के बाहर जाकर इधर उधर चुड़ैल को देखने लगती है, और बस घर के बाहर निकलना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। सुनसान काली रात के अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचती है अब वह आराम से अपने परिवार के साथ सो जाएगी और सुबह उठते ही इस घटना के बारे में सबको बताएगी, लेकिन तभी वह भयानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, और अब चुड़ैल का घुसने वाला भयानक रूप देखकर नीलू बहुत डर जाती है, मानो उसके सीने पर किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए। वह जोर जोर से कांपने लगती है और चुड़ैल नीलू के बाल पकड़कर ऊपर उठा देती है। नीलू चीखती चिल्लाती है लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, और वह खून की प्यासी चुड़ैल नीलू को बहुत ही ऊपर ले जाती है और वहां से नीचे पटक देती है। नीचे गिरते ही नीलू बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है, और चुड़ैल उसके पैरों को पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले जाती है। तभी नीलू के पति राज की अचानक नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखता है, उसके दोनों बच्चे सो रहे होते हैं और उसे नीलू कहीं दिखाई नहीं देती। दरवाजा खुला देखकर वह जल्दी से गेट के पास आता है,
जैसे ही घर के सामने घूम के निशान देखता है वह समझ जाता है कि दरवाजा खोलो वाली बात अफवाह नहीं सच्चाई है। वह घबराकर हड़बड़ाहट में अपने पड़ोसी रौनक का गेट खटखटाता है। रौनक, रौनक! रौनक थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आता है और अंदर से ही पूछता है, कौन है, कौन है बाहर? तब राज कहता है, अरे मैं राज हूँ। राज की आवाज सुनकर रौनक गेट खोलता है और पूछता है, राज भाई इतनी रात को क्या हुआ? तब राज कहता है, यार रौनक तुम्हारी भाभी नीलू का दरवाजा खोलो वाली चुड़ैल जंगल की ओर ले गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। यदि सुबह तक नहीं वापस आया तो तुम फिर अपने दोस्तों के साथ मुझे ढूंढने आ जाना, या फिर सुबह से पहले मैं नीलू को लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, मम्मी पापा और बच्चों को कुछ मत बताना। इतना कहकर राज बंदूक लेकर बाइक से जंगल की ओर चला जाता है। क्या राज नीलू को सुबह होने से पहले वापस लेकर आ पाएगा, या फिर रौनक भी उस दरवाजा खोलो वाली चुड़ैल के चंगुल में फंस जाएगा? क्या किया होगा चुड़ैल ने उस नीलू के साथ? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।